नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत वर्ष 2030 तक 100% सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि विद्यार्थियों को आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर किया जा सके। यह जानकारी राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने डाइट देहला में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एवं जिला स्तरीय शिक्षा पर चर्चा कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए दी। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में प्राथमिक कक्षाओं तक की शिक्षा में मातृभाषा अथवा स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। उन्होंने जानकारी दी है कि 30 से 8 वर्ष की आयु के बीच बच्चों का अधिकतर बौद्धिक विकास हो जाता है, इसीलिए इस शिक्षा नीति के तहत 3 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए सरकार द्वारा निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का संकल्प लिया गया है, जबकि दूरस्थ प्रवासी क्षेत्रों में आवासीय विद्यालयों का निर्माण भी नई शिक्षा नीति में शामिल है। इस अवसर पर सत्ती ने जिला के 7 शिक्षा खंड समन्वयकों के माध्यम से दिव्यांग जनों को 4.5 लाख रुपए के सहायक उपकरण वितरित किए। लगभग 38 सालों के बाद देश के अंदर शिक्षा के ऊपर कुछ सोचा गया। शिक्षा समय समय के हिसाब से उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन हमारे देश के अंदर शिक्षा में चर्चा जरूर होती रही, उसमें बदलाव के जो भी बदलाव शिक्षाविदों ने बताए उसको लागू नहीं किया जाता। अभी अनेकों शिक्षाविदों ने जो भी सुझाव दिए उनको केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति के नाम पर प्रदेशों को भेजा और अनेकों प्रदेशों ने उसमें सहमति जताई है। नई शिक्षा नीति में वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से अनेकों बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों के बाद ऐसा मालूम पड़ता है, ऐसा लगता है कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों का और समाज का जीवन सुधरेगा और शिक्षा आदमी में बदलाव लाने के लिए और आधुनिकता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। उसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने इसके ऊपर नई शिक्षा नीति का ड्राफ्ट दिया है और तो मुझे उम्मीद है कि नई शिक्षा नीति से कई सुधार होंगे आने वाले समय में। और जो शिक्षाविद हैं, जो पढ़ाते हैं या जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, मुझे लगता है वो अलग से सुझाव भी देंगे। तो जैसा केंद्र सरकार ने कहा है कि कोई और अच्छे सुझाव आएंगे तो समय के अनुसार काल के हिसाब से उनको जोड़ा भी जा सकता है। कोई चीज़ नहीं अच्छी है तो उसको देखा जा सकता है, पुनर्निरीक्षण किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से मुझे लगता है कि शिक्षा नीति लगभग 40 सालों के बाद उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, एक अच्छा प्रयास है और मुझे लगता है कि लोगों के लिए एक अच्छा साबित होगा। उन्ना से आपका फैसला टीवी के लिए जिला ब्यूरो चीफ जीवन शर्मा के साथ अनुबाला की रिपोर्ट।